वर्ष 1646 में एक जर्मन गणितज्ञ गोटफ्रेड विलहेम वॉन लिबनिज ने पास्कलिन मशीन में सुधार करते हुए एक मशीन बनाई जो कि गुणा भी कर सकती थी। लिबनिज मैकेनिकल मल्टीप्लायर गियर और डायल की एक प्रणाली द्वारा काम करता था। इस मशीन का 1820 तक इस्तेमाल किया गया था। उसके पश्चात फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमर द्वारा यांत्रिक कैलकुलेटर शुरू किए गए थे जो कि चार बुनियादी गणित कार्यों के प्रदर्शन करने में सक्षम थे। इसका नाम अरिथमोमीटर रखा गया था। इसकी बहुमुखी प्रतिभा के साथ अरिथमोमीटर व्यापक रूप से प्रथम विश्व युद्ध तक इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की वास्तविक शुरुआत, जिसके बारे में आज हम जानते हैं, एक गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज के द्वारा की गई थी। एक नई मशीन विकसित की गई जो कि विभेदक समीकरणों यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस को करने में सक्षम थी और उसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। ये मशीन भाप के द्वारा संचालित की गई थी जो आकार में काफी बड़ी थी और प्रोग्राम को स्टोर करने तथा गणना करने के साथ ही परिणाम को प्रिंट करने में भी सक्षम थी। 10 वर्षों तक डिफरेंस इंजन पर काम करने के बाद बैबेज पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रेरित हुए और उस मशीन को विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। बैबेज के सहायक ऑगस्टा एडीए किंग ने मशीन के डिजाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके काम पर अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1980 में उनके सम्मान में एक नई प्रोग्रामिंग भाषा ADA नाम दिया था।